खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन 8 व 9 जनवरी को कला से समृद्ध शिक्षा की ओर होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के उच्च सचिव अनुभव श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रतिभा हर बच्चे में होती है, अगर सही समय पर समुचित मार्गदर्शन मिले तो वह नए आयाम छू सकते हैं। इसी को लेकर अनुगूंज का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में किया जाएगा, जिसमें शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की सहभागिता एवं सांस्कृतिक और नाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल होंगे। 8 और 9 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है और इसके तहत पहला जो दिन है वो धनक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और दूसरे दिन नाट्य प्रस्तुतियां रहेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य गायन और वृंदगान शामिल है। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे जो हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का जो विजन है वो ये है कि हमारे बच्चों में अपार प्रतिभा है और सही प्रकार का मार्गदर्शन और मेंटरिंग मिलने पर वो बहुत सारे चमत्कारी परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में अपनी जो रुचि है उसको खुद पहचान सकते हैं कि उनका किस क्षेत्र में, कला से जुड़े हुए किस क्षेत्र में उनका रुझान है, और उनको पारंगत होते हुए वो अपना एक बहुत अच्छा नाम प्राप्त कर सकते हैं, एक खुशी प्राप्त कर सकते हैं, उनको एक एक्सपोजर मिल सकता है। तो इस कार्यक्रम के इस मंशा के चलते हमने भोपाल जिले के जो स्थानीय कलाकार हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, उनको मेंटर्स के रूप में इसमें हमारा सहयोग करने का अनुरोध किया, और बहुत खुशी है हमें इस बात की कि उन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं में से समय लेकर के हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया है और हमारे बच्चों को वो रिहर्सल्स करवा रहे हैं, उनकी मेंटरिंग कर रहे हैं, और हमारी प्रस्तुतियों का जो आकलन है और उसका जो निर्देशन है वो कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।